देखो भाई, लेमन ग्रास की कमी नहीं है यहाँ पे, हर जगह पे लेमन ग्रास, लेमन ग्रास। द करी लीव्स राइट हियर, नाइस एंड फ्रेश। केले, केले बहुत सारे केले लगते हैं यहाँ पे। केले वाले दूधी पोया, वो देखो वहाँ पर ऊपर शेजवान पेपर्स। मोल्टो ऑरेंज का पेड़ है ये, ये है वो आम का पेड़। मैं आप लोगों को आज अपना बगीचा दिखा रहा हूँ, बाग दिखा रहा हूँ। तो इसमें मैंने, हम लोग थोड़ी बहुत सब्जियाँ हो गए या बहुत सारी चीज़ें ऐसे हम लोग उगाते हैं, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये एग्जांपल इधर है, ये देखो, ये तो आप लोग जानते होंगे, ये जंगली मेथी। ये जंगली मेथी है, बहुत स्वादिष्ट होता है, और इसको कोंकणी में हम लोग टाइकुड़े बोलते हैं, टाइकुड़े की भाजी बोलते हैं। और ये ज़्यादातर बारिश के दिनों में ही आपको ये मिलता है, ये उगता रहता है बारिश के दिनों में, बहुत से जगह पे आपको मिलेगा। तो ये हो गया एक जंगली मेथी, और वहाँ चल के बताता हूँ। ये है वो आम का पेड़, ये अपनी बिल्ली। केले, केले, केले का झाड़ देखो। ये तुलसी, ये देखो भाई, एक यूनिक पेड़ और एक दिखाता हूँ, बहुत ही यूनिक है, एक बहुत कम मिलता है देखने को। मोल्टो ऑरेंज का पेड़ है ये, और ये 10 साल पुराना है, अभी कल ही आई है। छोटे छोटे छोटे, वो देखो वहां पर ऊपर शेजवान पेपर्स, तिरफड़ बोलते हैं हम लोग इसको कुकड़ी में, यहाँ पे है। वो जंगली आम का पेड़, जंगली आम यानी के कुकड़ी में इसको हम लोग अंबाड़े बोलते हैं, और हिंदी में जंगली आम, इंग्लिश में हॉग प्लम, इंग्लिश में हॉग प्लम बोलते हैं। और एक दो तीन केले के झाड़ यहाँ ऑलरेडी टूट के गिर चुका है, क्योंकि अभी दो तीन दिन पहले हैवी बारिश हो गया था, तो इसके लिए दो तीन केले के झाड़ जो है वो गिर गए हैं। हॉग प्लांट देखो, हॉग प्लम अंबाड़े, एकदम मज़ेदार करी होता है। इसका रेसिपी ऑलरेडी शेफ डॉन किचन में हमने बनाया हुआ है, तो रेसिपी देख लो और ट्राई करो, प्योर वेजिटेरियन और एकदम ज़बरदस्त बनाया मैंने। ये देखो भाई, जंगली आम, हॉग प्लम अंबाड़े, और ये है अंबाड़े का पेड़, ढेर सारे अंबाड़े होते हैं यहाँ पे। ये देखो भाई, हॉग प्लम काफी ऊपर है, इसके लिए जूम करके बता रहा हूँ। धोके खाना बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे कुछ भी घूमते रहते हैं ना, इसके लिए इसको धोके खाएंगे, मज़ेदार होता है। थोड़ा नमक, थोड़ा पेपर। लौकी देखा आपने, लौकी का पेड़ देखा है, ये रहा लौकी का पेड़। लौकी ताजे ताजे, लौकी तोड़ो, सब्जी बनाओ और खाओ, रेसिपी शेफ डॉन में आपको मिल जाएगा। लौकी यहाँ पे फूल लगा हुआ है, ये देखो, कुछ दिन में लौकी भी तैयार हो जाएगा। बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पे लौकी के। कैदे वाले दूधी पोया, दाल में तड़का मारना हो या स्पेशल करी बनाना हो, ज्यादातर दाल में या तड़के में काम आने वाली चीज करी पत्ता। द खरी लीव्स
right here, nice and fresh. देखो भाई, देखो देखो, और यही करी पत्ते का लीफ, चार से पांच, ये चार से पांच पत्ते डेढ़ पाउंड में, एक पाउंड में इंग्लैंड में बिकता है, या फिर यूएस डॉलर में। आप मुझे बताओ कि आपके यहाँ शहर में कितने का बिकता है ये करी पत्ता? और वो देख रहे हैं ऐसा फैला हुआ पेड़, एलिफेंट याम बोलते हैं उसको, वो वाला एलिफेंट याम। चलो दिखाता हूँ, यहीं से दिखाता हूँ, थोड़ा ज़्यादा बहुत जंगल टाइप हो गया है, अपना बाग ही है, जंगल नहीं, पूरा बाग है ये। तो यहाँ पे दिखाता हूँ एक और बड़ा सा आम का पेड़, कलरफुल एकदम आम होता है इस पे, पर ज़्यादा मीठा नहीं होता, पर दिखने में एकदम मज़ेदार होता है। ये है आम का पेड़ एकदम उसके सामने, और ये अपनी राम प्यारी ब्रांड न्यू, स्पेशल एडिशन। अगर ज़्यादा गर्मी हो रहा है तो स्विमिंग पूल में जाने की आवश्यकता नहीं है। ये देखो ताज़ा ताज़ा नदी यहाँ पे बह रहा है पानी, यहाँ पे आराम से कुछ देर बैठ देता हूँ, मस्त मज़ा आता है यहाँ पे, एकदम ठंडा ठंडा पानी, हाय 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 क्या बोलूँ। कितने देखो भाई ये रिवर, और उधर फूल पत्री वगैरह लग, बहुत सारा फूल पत्री उगा है जो गणेश फेस्टिवल में या किसी भी पूजा में बेल, ये सारा ये सब चढ़ाने के लिए यूज़ होता है। तो वहाँ पर ये बहुत सारा यहाँ पे चीज़ आपको देखने को मिलेगा। अभी गणेश फेस्टिवल होने वाला है कुछ ही दिन में, तो ये सब चीज़ उसमें लगने वाला है। तो ये सब अपने ही बाग से चलते हैं, अपने ही बाग से जाता है, हर जगह नहीं, हम लोग कोशिश करते हैं जितना होने का। और वहाँ पर केले बहुत सारे केले लगते हैं यहाँ पे, गांवटी केले बोलते हैं इसको, ये सारे लगते हैं यहाँ पे। ये जो पत्ते हैं देखो कितना कितना पत्ता है, देखो ये इंग्लैंड में मिलना तो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन ही है, मिला तो मिला, ये सिर्फ बारिश के सीज़न में ज़्यादा आपको दिखाई देगा। ये सब देखो बगीचे में, वहाँ से लेकर वहाँ तक सारा कुछ भरा हुआ है, उस कोने तक है, ठीक है। इसको बोलते हैं हल्दी के पत्ते, और इसी पत्ते से हम लोग एक रेसिपी बनाएंगे, और बाय गॉड मज़ेदार होता है ये, और बहुत स्वादिष्ट बनता है। तो पत्ते तोड़ते हैं, ये पत्ते होने के बाद हम लोग कुछ और दिखाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखना है। चलो लौकी, केले का झाड़, जाले जाले।
देखो एक और ड्रमस्टिक का पेड़, बहुत लंबे लंबे ड्रमस्टिक बनते हैं यहाँ पे। टेंशन नहीं करा कहीं, स्पेशली आ रहा मोरिया आया था मुनंद। असल गोवन ब्यूटी और लाइफ जीने का जो तरीका है ना, यहाँ पर मिलेगा। फ्रेश, एकदम फ्रेश, कोई मोटर गाड़ी का आवाज़ नहीं, ना पोल्यूशन, इज इनक्रेडिबल। एंजॉय द व्यू। और ये ड्रमस्टिक का पेड़ अभी कुछ है नहीं। ये देखो भाई, ब्रेड फ्रूट, कोकणी में इसको नीरपणस बोलते हैं। बाग में इधर छोटा सा एक खेत बनाया हुआ है ऐसे। ये देखो भाई, अरबी के पत्ते, इसका रेसिपी ऑलरेडी बनाया है हमने शेफ डॉन में। स्क्रॉल करोगे तो आपको रेसिपी मिल जाएगा। और ये पमेलो, ये पमेलो फ्रूट्स का पेड़ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है ये। ये रामफल, रामफल तो आप सबको पता है, सीताफल तो देखा होगा आप लोगों ने, तो उसी तरह से ये रामफल भी होता है। काफ़ी लोगों को पता होगा और काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा कि रामफल भी होता है। तो ये है रामफल का पेड़। चलो, रामफल का पेड़ कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। सीताफल भी लगाया हुआ है, अभी ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर है। ये देखो भाई, केले का झाड़। इसमें हम लोग ये चावल के लिए, चावल पूजा वगैरह करते हैं इससे, इसी उसी के लिए स्पेशल चीज के लिए यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये आम का पेड़ इतना छोटा है, इसका आम भी बड़ा मज़ेदार होता है, वाइट कलर का आम होता है इसका अंदर। शर्मीला पेड़, हाथ लगाते ही बंद हो जाता है, काफ़ी लोगों ने देखा होगा इसको। ये देखो, हाथ लगाते ही पत्ते बंद, कांटे होते हैं इसमें, थोड़ा संभाल के चलना। ये जो पत्ते हैं मम्मी दादा, ये जो पत्ते हैं इसी से वो एक स्पेशल डिश बनता है, गोवन ट्रेडिशनल, गोवा में भी मिलता है। करना तुलसी, इंग्लैंड में यार ये सब कहाँ, गोवा में ये सब अब लोगों को देखने को मिलेगा। ताल। और ये देखो, ताज़ा लेमन ग्रास, लेमन ग्रास है भाई ये, लेमन ग्रास। और वहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग पेड़ है, वो भी बताता हूँ। देखो भाई, लेमन ग्रास की कमी नहीं है यहाँ पे, हर जगह पे लेमन ग्रास, लेमन ग्रास। जब भी चाय पीना हो तो यहाँ पे आने का, ऐसे मस्त। हाँ, इसको इस तरह से काटा जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें आपको शेफ डॉन किचन में देखने को मिलेगा। आज हम लोग पूरी तरह से बगीचा देखते हैं, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखो, इसका रेसिपी हम लोग अभी बना रहे हैं, इसको बोलते हैं हल्दीजी पाना, हिंदी में क्या बोलते हैं। और अब एक और मज़ेदार चीज़ ये देखो, नींबू। अभी बहुत सारे थे कुछ दिन पहले, अभी पता नहीं कौन ले गया यहाँ से। ये नींबू का झाड़ है यहाँ पे, ताज़ा ताज़ा लाइम मिलेगा आपको। नींबू दिखाता हूँ, ये देखो,
जब चाहे नींबू तोड़ो, ये जो पेड़ देख रहे हैं छोटा सा पेड़ है, छोटा सा, पर इसमें आम एकदम स्वादिष्ट लगते हैं और एकदम अलग किस्म के आम है। मतलब अंदर जो नॉर्मली येलो होता है ना, इसमें वाइट कलर का आम होता है। इसका ओरिजिनल नाम मैं अभी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, पता चलते हैं मैं आपको बताऊँगा। और ये उस तरफ एक और पेड़ है इंटरेस्टिंग, इसको बोलते हैं हम लोग जैक फ्रूट, पेड़ है उस तरफ। एक और मैं दाखिल था, एक और पेड़ है उस तरफ, ये वो वाला, वो है ब्रेड फ्रूट, है ना कमाल की चीज़। चलो, ये पूरा भी जंगल है, इसमें थोड़ा संभल के चलना होता है। तो अभी काफ़ी साल बाद आया हूँ तो इसके लिए ये सब फैला हुआ है जंगल, इसको थोड़ा सेट होने के बाद, सेट होकर अगर इसको हम लोग सेट करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। पूरा फॉरेस्ट है, तो वो पेड़ दिखाता हूँ आपको यहाँ से, और उसके बाद वहाँ पे टेप बेल कसले पाना थे, तो वहाँ पर आपको अरबी के पत्ते भी नज़र आएंगे, इसको हम लोग कोकणी में तैरो बोलते हैं। चलो दिखाता हूँ। और एक कमल का चीज़ ये है, इधर लाजाड़ू का झाड़ बोलते हैं, लाजाड़ू, शर्मीला पेड़, शर्मीला छोटा छोटा, उसमें हाथ लगाते ही वो बंद हो जाते हैं, वो सब भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये सब ऐसे लोग देखेंगे इंग्लैंड में तो वो लोग परेशान हो जाएंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाने, पपाया का झाड़ है वहाँ पर, फिर यहाँ पर तुलसी है, देखो फ्रेश तुलसी ही तुलसी आजू बाजू में। चलो, अगर कोई ये बाग में आने का प्रोग्राम बना रहे तो कैंसिल कर दो भाई, कैंसिल। 24 कुत्ते हैं यहाँ पे, और वो भी एकदम डेंजर है। ये तो लोकल थे, इसके बाद आपको और भी प्यारे प्यारे आपको कुत्ते यहाँ पे देखने को मिलेंगे, आपको दिखाता हूँ मैं बाद में, ठीक है। पहले ये सब देखते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं जितना होएगा उतना मैं बताऊँगा। सब दिखाने जाऊँगा तो काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि मैं काफ़ी बिजी हूँ, रेसिपी भी बनाना है, हम लोग रेसिपी बनाएंगे यहाँ पे। इसके लिए थोड़ा बहुत अभी दिखाएंगे, अगर आप लोग बोलते हैं कि पूरा बाग दिखाओ तो फिर आपको पूरा बाग दिखाएंगे क्या क्या होता है यहाँ पर।